देवघर सदर अस्पताल के कार्यालय के दो कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद कार्यालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। वहीं नववर्ष को लेकर शहर में लगातार भीड़ बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। इधर चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिए गए हैं। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से सुरक्षा का ख्याल रखते हुए नए साल का जश्न मनाने की अपील की है। में 7 नए केसेस आए और उससे पहले 4 और उससे पहले 2 केस, तो लगातार गंभीर होती जा रही है ना केसेस। तो हम सभी लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार जो फॉलो करना है, और साथ में जो कोविड टीकाकरण का जो है, जो 18 प्लस वाला है, उसको हम लोग को 15 जनवरी तक 100% करना है, और 3 जनवरी के बाद जो 15 से 18 वालों को भी जो शुरू करना है, तो उसके लिए जैसे ही तो यहाँ हम लोग तो टीका उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।